बड़ों में मिलाद मनाने का जो तरीका होता है वो यही है, ठीक है जी। मोमिनों खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। तो अब हो सकता है जी खुशी मनाने का भी को अपने अंदाज बना ले, तो वो भी बड़ों ने बता दिया। मोमिनों खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया, रब सलीम बनाओ कमली वाला। तो जो सबसे बेहतरीन तरीका है तो जिक्र मुस्तफ़ा अलैहि सलाम, ठीक है। कर तमाम भी माँ की रोशनी के लिए दुरूद शर्त है जिक्र मुहम्मदी, ठीक है। इसलिए भी शर्माना शर्माना नहीं कोई भी, जिसने की शर्म उसके बूटे करम, ठीक है। इतने शर्म करनी कोई नहीं, अल्लाह जहाँ हमें करनी चाहिए वहाँ करते कोई नहीं। इतने सारे में शर्म आती है, शर्म नहीं करनी कोई भी। बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ अंता मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया। इतनी तो दीवानी है लेकिन इतने देख के लगता सारे बीमार हो गए हैं, ठीक है। अब मेरी आदत नहीं की खुशामद शुशामद ना की है, तो ना बड़ों ने सिखाई है कभी करना। जो ड्यूटी लगी है कोशिश कर रहे हैं कुछ अंदाज से कर रहे हैं, खुशामद शुशामद की कोई गल नहीं है। अब अंतर मजनू इस तरह जिक्र करो देखने वाला समझे दीवाना हो गया। मैं पाकिस्तान में भी कहता हूँ याद नहीं करते, अब आप नहीं ना पढ़ते फिर दिल दुखता है कि क्यों नहीं पढ़ते। अभी शुक्र करो उसने कोई इम्तिहान नहीं मांगा यार, कलीमे को बिठा के कह रहा पढ़ लो। कुर्बान जाऊंगी तो बदर में भी पढ़ा है, उन्होंने हुनैन में पढ़ा है, उन्होंने करबला में पढ़ा है, उन्होंने निजों पे भी पढ़ा है। हमसे तो इम्तिहान नहीं, हमें किसी ने कोयलों पे लिटाया, ठीक है। सोना कालीन बिछा हुआ है आपके लिए, बाद में आपको बेहतरीन सा लंगर भी खिलाया जाएगा, तो फिर भी बंदा ना पढ़े तो फिर मजा तो ना ना कुछ। असल यही है, बाकी ठीक है जो है सो है, मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन असल ये है जब उनका उनका नाम ही मुबारक आए कैफियत बदल जाए। अब मुझे नहीं पता आपका हाल क्या है, साढ़े पाकिस्तान वाले तो लग गए है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम ही मुबारक इसका मोहताज हो गया, कोई राग से नाम लेगा तो आप इसी तरह करोगे। नहीं भाई, आपका मिजाज होगा, ईमान का मिजाज ये नहीं है। ईमान कहता है मेरा मिजाज ये है बस उनका नाम आए तो झूम उठो। लग गए हैं ना रागों पर सारे ये, मैं चलो रागों की भी मुखाब, चलो ठीक है जो है, अभी इतना तो नहीं टाइम के मार बात ही खोलूँ, लेकिन ये नहीं है कि जी को राग को ऐ करके नाम लेगा तो फिर आप सामने बैठे हरकत में आएंगे। ये आपका मेरा मिजाज बन चुका है, लेकिन ईमान का मिजाज नहीं है। काजी अय्याज रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं सहाबा अलैहिम रिदवान की कैफियत ये थी, कभी उनके सामने जिक्र मुस्तफ़ा छेड़ा जाता तो वो इस तरह झूमते थे जैसे हवा दरख्त में झूमते हैं, लेकिन अब नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और आज नहीं जी, 100 साल पहले इकबाल ने कहा था ना वो इश्क में रही गर्मियाँ ना वो हुस्न में रही शोक। बेड़ा गर्द तो खुशामद ने कर दिया था, नहीं सब ठीक है, क्या ठीक है, कुछ नहीं ठीक है। नहीं, उनका नाम आए क्यों कैफियत न बदल गया, उनका नाम आए क्यों पता मचल ना जाए। इसलिए मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा जब भी दुरूद पाक की बारी आए रहती पढ़ दिया करें, ये लगे पता कि वाकई मामला है, क्योंकि ये आप कतन ना समझें कि आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा या आपको कोई देख नहीं, आपको देखा जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है, जब उनका नाम आता है ऐसे सही कह रहा, तब भी तो पता लगेगा कि अभी क्या है और क्या नहीं है, क्या रह गया, आपको चेक किया जाता है। और चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है, उनका नाम लो भला क्या करते हैं यार, जब उनका जिक्र आया कैसे किया। तो देखिए ना हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अस्लम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला हस्बे ममूल रात को मदीना पाक की गलियों का गश्त फरमा रहे थे, आपको घर में चिराग जलता दिखाई दिया, क्योंकि इस्लाम का तो मिजाज ही नहीं है देर तक जागना, इस्लाम का तो मिजाज है जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन चिराग जल रहा है। अब देखने के लिए गए कि इतनी रात को चिराग क्यों जल रहा है, जब पहुँचना तो वहाँ तो क्या देखते हैं, मंजर ये है कि कमा जी चरखा चला रही हैं साथ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम पे नात पढ़ रही हैं। लाजमी तो नहीं है कोई महंगा सनात खाएगा तो मैं फिर नात तो भी आप खुद भी कर लें, और भाई ये रंग शंग वाजा वूजा पगा पुगा इतने देखते हैं उत्थे दिल देखते हैं, ये नहीं वो देख, उधर नहीं है ऐसा मामला। अगर उस तरह मामला होता तो फिर हज़रत बिलाल किधर जाते, अगर उधर भी रंग देखे जाते तो फिर हज़रत बिलाल किधर जाते, फिर सलमान फारसी किधर जाते, फिर सुहैब रूमी किधर जाते, उत्थे नहीं इस तरह की कोई बात है। तो कोई बड़ी सोहनी आवाज से पड़ेगा तो वो सुनेंगे, तुम जब भी उनको पुकारे हुए सुनोगे, तुम जब भी उनको याद करोगे सुनेंगे, तुम्हारी वो सुनते हैं उम्मती जो करे फरियाद हाल इजार में।
मुमकिन नहीं खैर बशर को कबूल याद नहीं करता कोई भी नहीं। हम लग गए हैं, कोई आएगा फिर ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा फिर ऐसे होगा फिर वैसे होगा तो फिर कुछ होगा नहीं। आप माशाल्लाह उलमा बैठे हैं, आप कोई भी ना शरीफ सीख रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों का कलाम नात जो है ना, हमें हर बंदे का काम नहीं है नात लिख देना। पाकिस्तान में तो तमाशा लगा हुआ है, जिसका दिल कर रहा है लिख रहा है, जिसका दिल कर रहा है पढ़ रहा है, किसी को पता ही नहीं है नात होती क्या। इंतहाई हसास तरीन मामले नात लिखना, थोड़ा सा ऊपर जाओगे काम खराब, थोड़ा सा नीचे आओगे फिर काम खराब होगा, जो है रास्ता उसी पर चलना पड़ेगा। तो बस ये है कि कोई अच्छा सा कलाम इमाम आलू सुन्नत का या अपने बुजुर्गों में से कसीदा गुरदा शरीफ सीख लो, रोज रात को मफल लगा लिया करो, वजू कर लिया आंखें बंद कर ली। भाई ये आपने समझा होगा कि इंग्लैंड से मदीना दूर है, मदीना पाक से इंग्लैंड कोई भी दूर है, ये दूरियां आपने बना दी हैं, कोई दूरी शूरी नहीं है। निगाह मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बड़ी वसतें दी हैं, ये तो इंग्लैंड तो शायद कोई नहीं है, या आपने और मैंने दूर कर दिया। बल्कि इधर भी ऐसे थे, उन्होंने भी दूर नहीं माना। वो कहते हैं फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। ये आंखें बंद कर दें, आंखें बंद करके सुनाएंगे सुने खुदा की रजा चाहते हैं दुआ, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, साए कलीम मुजदाए गज़ब था गिरों का सहारा साए मोहम्मद। कोई भी सीखे मैं सही कह रहा हूँ। मेरे बुजुर्ग पता है बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे, बेलिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक पे लिया कर, पंजाबी समझ लेती है, चले मैं फिर भी फरमाया रोज एक एक खत एक लेटर मदीना पाक ले जा कर, तो खत से मुराद हमको याद किया करो। तो जिस संगीत को आपने फरमाया ना वो आगे सर्च कर दिया हुजूर, फिर क्या होगा, फिर मैं किसी का तो जवाब आएगा कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। तो देखो हाँ केड़ा जड़ा रोज ही सामने यूके तो याद करता है, याद ही नहीं करता है, साहब बिजी पड़े रहते हैं काम से फुर्सत नहीं मिलती। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। अल्लाह रजी हमारा याद करना क्या माने रखता है, क्या पिद्दी का शोर है, हमारा याद करना क्या माने, ना एक में ना ग्यारह में, लेकिन वो हैं वो जो न थे तो कुछ न था है। वो याद करें, वो जो न थे तो कुछ न था। हज़रत सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नबी हुए, उनके लिए अहद लिया गया था, जब वो आ गए तो बस फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जितने अंबिया तशरीफ लाए वो सारे यही कहते रहे वो आ रहे हैं वो आने वाले रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, ये सब कहते रहे बस पता था। लेकिन बस लिखा है कितनी बार ये बात हुई, एक दिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम उस करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं कि वो आ रहे हैं वो आने वाले हैं, तो आएंगे तो आपकी औलाद में से ना, ठीक है आएंगे तो आपकी औलाद में से आएंगे ना, तो शान आपकी ज़्यादा कि उनकी ज़्यादा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस सवाल पे खामोश रहे, फिर सवाल किया गया, अब फिर खामोश रहे, तीसरी बार जब फिर किया गया तो आपने कलाम आपने फरमाया मेरे बेटे शीश सुन, तो ये पूछता है कि शान उनकी ज्यादा है या मेरी, अरे वो तो वो है अगर वो ना होते ना तू होता ना मैं होता है। नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हमारा याद करना क्या है, हम क्या है, कुछ नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। लौला कलमा खलकतु लौला कलमा खलकतु रबूबिया, उन्होंने हमें याद किया है, जब दुनिया में तशरीफ लाए फिर भी किया, गारों में किया पहाड़ों में किया।